हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वही डिस्कस कर लेते हैं आज का एडिटोरियल। तो आज है 16 नवंबर, तो आइए देखते हैं कौन सारे आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लास्ट रिसॉर्ट के नाम से ये आर्टिकल है। तो ये केरला के मिनिस्टर हैं थॉमस चांडी, तो ज़मीन हड़पने का एक मामला है, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिकल मैटर है। इसके अलावा ये देखिए, इन सर्च ऑफ स्ट्रेटजी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और नीचे के दो आर्टिकल, एक ये है मनी कांट ऑलवेज बाई वोट, ठीक है, इसको भी देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आर्टिकल है। एक नीचे आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा मॉडल, ठीक है, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि जो अभी आशियान समिट हुई थी, तो उसमें मिस्टर ट्रंप ने जो बातें कही थी, और चूंकि उनकी जो ये यात्रा थी वो 12 दिन की थी ना, 5 देशों की उनकी ये यात्रा थी, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी यूएस के प्रेसिडेंट द्वारा की गई ये सबसे लंबी यात्रा थी, ठीक है, 12 दिन की जो यात्रा थी। तो कह रहे हैं कि 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी लंबी यात्रा किसी प्रेसिडेंट ने की हो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये यात्रा जो थी वो कई मायनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें ये देखना था कि मोदी की आखिर स्ट्रेटजी है क्या, फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटजी है क्या। इसके अलावा स्पेसिफिकली एशिया पैसिफिक रीजन जो रीजन है उसमें मोदी का क्या विज़न है, ठीक है। तो ये सब देखना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। तो कह रहे हैं कि देखिए, आपको पता होगा मोदी जब आए थे तो उन्होंने चाइना के बारे में काफ़ी बोला था, राइट। और उन्होंने कहा था कि वो एक तरीके से, और ख़ुद भी कहा था कि हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाएंगे, और चाइना का जो उसमें ट्रेड जो डेफिसिट है उसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। तो यहाँ पे उसी को ये लिख रहे हैं ये कि देखिए, वन कैन रीड रेजिस्टेंस टू चाइनाज एक्सपेंसिव एम्बिशन टू यूफेरिज्म। यूफेरिज्म का मतलब होता है एक तरीके से क्या करना, ए माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन कंसिडर टू बी टू हार्श, मतलब ऐसा वर्ड यूज़ करना जो कि इनडायरेक्ट वे में आपको किसी हार्श वर्ड की जगह, मतलब किसी जो आप वर्ड यूज़ करते हैं बहुत हार्श, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने वाला होता है, उसकी जगह पे कोई माइल्ड वर्ड यूज़ करना, उसको कहते हैं यूफेरिज्म, राइट। तो यही कह रहे हैं कि अमेरिका की, इन्होंने पहले तो ये सब कहा था कि हम क्या करेंगे, ये हमारा अमेरिका का कमिटमेंट है, हमारी डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट का मैटर है, फ्री ट्रेड का, ये सब सारी चीज़ें इन्होंने पहले कही थी, राइट। फिर उसके बाद फिलीपींस के साथ भी, चूंकि ये शेयर करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इलीगल जो ड्रग यूज़ वहाँ पे होता है, इस प्रॉब्लम को भी वहाँ पे ये उस फिलीपींस के साथ ये शेयर करते हैं, राइट। तो ये भी इनका एक वो था, कमिटमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इन्होंने पहले काफ़ी कही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इनके काफ़ी सुर में चेंजेस आप लोगों को देखने को मिले, राइट। तो फिर मिस्टर ट्रंप डिज़ायर टू बी, यहाँ पे आने के बाद देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप डिज़ायर टू बी अ फ्रेंड विद द शॉर्ट एंड फैट रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के जो रूलर हैं उनको, जैसे ये कहते हैं ना कि शॉर्ट और फैट, तो उनको एक तरीके से दोस्त बनाने की बात कहने लगे। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। आउटलैंडिश एक वर्ड यूज़ हुआ है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है एक अनफेमिलियर, ठीक है, सराउंडिंग बिजारे या अनफेमिलियर, मतलब ऐसी चीज़ जो बिल्कुल आपको आप जिससे आपको पता ना हो, ठीक है ना, आपको मालूम ना हो, अज्ञात हो आप उससे। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल अनफेमिलियर चीज़ें ये कह रहे हैं। और इसके अलावा फिर देख रहे हैं, देखिए ये जो चाइना और इनके साथ जो चाइना के भी दौरे पे गए थे ना, ये चाइना पे ही तो आए थे, ये पहला चाइना में ही शायद आए थे। तो चाइना के दौरे पे इन्होंने देखिए 300 बिलियन की डील की है, ठीक है, 300 बिलियन। एंड ये कह रहे हैं कि इसके अलावा इनको उम्मीद ये भी है कि ये 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, राइट। और फिर उन्होंने देखिए जो वहाँ पे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो इन्होंने स्पीच दी, उसमें इन्होंने वियतनाम के बारे में भी बोला है, ठीक है, वियतनाम वुड एलुसिडेट हिज विजन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, अ टर्म दैट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड यूजिंग अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडियाज प्रोमिनेंस, राइट। तो इन्होंने ये कहा उसमें कि एक तरीके से इंडिया की प्रोमिनेंस को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्नॉलेज किया इंडिया की प्रोमिनेंस को भी एशिया पैसिफिक रीजन में। और तो ये कह रहे हैं कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हैं, वो तो जो उनके एलाई हैं वहाँ पे उनके लिए बहुत कंफर्टेबल
एक तरीके से चिंता की बात है, तो वो नर्वस है काफ़ी। लिख रहे हैं कि जो एलआई है इनके, हिज स्पीच डिड नॉट लिव अप द बिल्डअप एंड मे हैव एक्चुअली एडिड द नर्वसनेस एमंग द ट्रेडिशनल यूएस पार्टनर। ठीक है ना, तो उनकी इस स्पीच ने क्या किया कि उनको बिल्डअप कराने के बजाय उसको एक तरीके से नर्वस कर दिया। क्योंकि देखिए ये इन्होंने क्या किया था, रिकॉलिंग यूएस हिस्टोरिकल टाइज द रीजन, मिस्टर ट्रंप सेड इट इज़ टाइम द टर्म ऑफ द इंगेजमेंट बिटवीन दीज कंट्रीज एंड द यूएस चेंज्ड। ये कह रहे हैं कि ये इंगेजमेंट जो इन कंट्रीज़ के साथ है, जो कंट्रीज़ है ये एशिया पैसिफिक रीजन में, उनके साथ कह रही हैं कि अब ये टाइम आ गया है कि इसको चेंज किया जाए। और उन्होंने फिर ये कहा कि ये सारी कंट्रीज जो हैं ये हमेशा यूएस का फ़ायदा उठाती रही हैं, राइट। इन्होंने देखिए लिखा हुआ है, यूएस हैज़ बिन टेकन एडवांटेज बाई ऑल कंट्रीज एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, इवन इन्होंने वर्ल्ड जो कुछ इंस्टीट्यूशन है WTO का भी इन्होंने नाम लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ US का फ़ायदा उठाते रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपके लीडरों को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हमारी ही कमियाँ थी, जो हमारे लीडर थे, जो हमारे जो प्रीवियस लीडर थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, इंगेजमेंट जिनका रहा है, जैसे ओबामा है चाहे उससे पहले क्लिंटन, तो उनको ही दिए दोष दे रहे हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसे दिन खत्म हो गए, दोज डेज आर ओवर, ही डिक्लियर्ड ही वॉज देयर टू ऑफर अ रिन्यूड पार्टनरशिप विथ अमरीका। कह रहे हैं कि वो दिन अब खत्म हो गए, अब हम नए तरीके से पार्टनरशिप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और विथ एनी इंडो पैसिफिक नेशन दैट वॉन्ट्स टू बी आवर पार्टनर एंड दैट विल अबाइड बाई द प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड रेसिप्रोकल ट्रेड। तो वो इस रीजन का कोई भी देश जो हमसे बाइलेटरल ट्रेड करना चाहता है तो हम उसके साथ करेंगे, लेकिन ये रेसिप्रोकल ट्रेड होगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड रेसिप्रोकल ट्रेड, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर आप उसके साथ कर रहे हैं ट्रेड तो वो भी आपके साथ ट्रेड करें। ठीक है ना, मतलब एक के बदले एक। ठीक है ना, जिसे इनवर्सली क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ वही, मतलब समझ लीजिए। एक तो ये कह रहे हैं कि देखिए फेयर और रेसिप्रोकल का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आपसे कुछ एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें। ठीक है ना, मतलब दोनों देशों के बीच एक सामंजस्य बना रहे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उनके इस कहने का मतलब क्या था, व्हाट डज ही मीन। उनके ये जो उन्होंने कहा है कि द डेज आर ओवर, तो उसके इन कहने का मतलब क्या है, इसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ मिस्टर मोदी स्टेटमेंट दोज डेज आर ओवर, कह रहे हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। फर्स्ट कह रहे हैं, पहला जो है, अमेरिका ऑफर दिस कंट्रीज टेक्नोलॉजी कैपिटल एंड एसेस टू इट्स मार्केट। अमरीका क्या करता है, ये इन लोगों को ऑफर करता है टेक्नोलॉजी, पैसे, और क्या करता है, मार्केट को, राइट। सेकंड कह रहे हैं, अमेरिका ऑफर्स अ सिक्योरिटी गारंटी एंड प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन मल्टीलेटरल ट्रेड एंड सिक्योरिटी पैक। तो आप सबको पता होगा, देखिए ये बातें हो रही हैं जो इनके एलाइज हैं मेनली उनसे रिलेटेड। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने जो बातें कही हैं, हालांकि इन्वॉल्व सबको किया है, लेकिन चाइना के साथ तो इनका सबसे बड़ा ट्रेड तो चाइना के साथ ही है, लेकिन चाइना तो इनका एलाई नहीं है ना। इनका एलाई कौन है, जापान है, ठीक है, और कौन है, साउथ कोरिया है, वियतनाम भी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कहना कि द डेज आर ओवर इन तीनों कंट्रीज़ को, स्पेशली जापान को, ये बहुत ही नर्वस करने वाला है, जापान और कोरिया को, राइट। क्योंकि देखिए इनका जो कहने का मकसद था, इनडायरेक्ट वे में ये वार कर रहे हैं, राइट, और ये जापान पे ही, जापान और कोरिया पे ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का जो है ज़्यादातर ट्रेड डेफिसिट है, और चाइना के साथ जो है तो वो चाइना के साथ तो वो अलग है, राइट। चाइना तो इनका एलाई नहीं है ना, लेकिन जापान और साउथ कोरिया तो यूएस पे डिपेंडेंट है, ये वहीं से इनका जो ट्रेड होता है और वो सारी चीज़ें, ट्रेड कैपिटल, अभी हमने पढ़ा ना ये ट्रेड कैपिटल और एसेस टू मार्केट, ये सब अमेरिका, ये जापान और कोरिया कहाँ से करते हैं, ये यूएस से ही करते हैं। तो वही कह रहे हैं, तो अमेरिका ऑफर ये दूसरी दूसरी आप ये बात जानते होंगे, सिक्योरिटी की भी गारंटी जो है इन्होंने ले रखी है, किसकी, साउथ कोरिया और जापान की। जापान में मिलिट्री नहीं है ना, आपको अगर पता हो तो, जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएसए के हाथों में। तो इसको भी आपको पता होगा, जब ट्रम्प जीत के आए थे तो इसको भी इन्होंने कहा था कि हम अपनी फोर्सेज वहाँ से बुला लेंगे। ठीक है ना, तो वही है इनके, देखिए स्टेटमेंट्स हमेशा इसी टाइप के, डायलेमा टाइप के होते हैं, डुअलिज्म वाली बात करते हैं हमेशा, एक कभी और कुछ कुछ, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो वही फिर देखिए लिख रहे हैं कि एक तरीके से क्या होगा, इन सब बातों ने काफ़ी वहाँ पे लोग, मतलब एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा कर दी है, राइट। और आगे इनका ये लिखना है कि चाइना एंड इट्स नेबर हाइटेंड इट्स बीजिंग एम्बिशन गॉट आफ्टर
2008 फाइनेंशियल, तो ये कह रहे हैं कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना ने बहुत इसका यूटिलाइजेशन किया, राइट। और उसके बाद 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ग्रू, मतलब काफ़ी अपनी एम्बिशन जो थी उसको बढ़ाया इसने, ठीक है। और वियतनाम, फिलीपींस, जापान एंड साउथ कोरिया स्टार्टेड टू ग्रेविटेट मोर टुवर्ड्स यूएस। और ये जो कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान, ये क्या किए, ये धीरे धीरे इनका रुझान किसकी तरफ, यूएस की तरफ बढ़ा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, विच वॉज इट सेल्फ अलार्म्ड बाई द असर्टिवनेस ऑफ चाइना, द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस द पाइवट टू एशिया स्ट्रेटजी इन रिस्पॉन्स, राइट। तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, पाइवट टू एशिया की स्ट्रेटजी अपनाई। और उस स्ट्रेटजी में देखिए क्या था कि मल्टी फैसेटेड अप्रोच थी वो, और उसमें क्या था कि सारे जो इन्वॉल्व, स्ट्रांग सिक्योरिटी कंपोनेंट, ठीक है, तो एक सिक्योरिटी का कंपोनेंट भी उसमें इन्वॉल्व उनका करना मकसद था। और वर्किंग विथ एलाइज, वर्किंग कंस्ट्रक्टिवली विथ चाइना, चाइना के साथ भी उनका मकसद था कि कंस्ट्रक्टिवली काम किया जाए। इसके अलावा कमर्शियल डायनेमिक, दैट इज़ अबाउट नॉट शिपिंग यूएस जॉब्स बट यूएस एक्सपोर्ट एंड सर्विस टू एशिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उनका जो मकसद था कमर्शियल डायनेमिक्स, दैट इज़ अबाउट नॉट शिपिंग यूएस जॉब्स, मतलब यूएस की जॉब को शिप करना नहीं था, ठीक है, यूएस की जॉब को शिप करना नहीं, बल्कि यूएस एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज टू एशिया, बल्कि यूएस क्या करे, एक्सपोर्ट करे सर्विसेज टू एशिया को, राइट। ये ओबामा की पॉलिसी की बात हो रही है। फिर ये कह रहे हैं लाइक मिस्टर ट्रम्प, ओबामा आल्सो वांटेड टू ओपन एशियन मार्केट, तो ओबामा, ट्रम्प की तरह ओबामा भी यही चाहते थे कि ओपन एशियन मार्केट हो फॉर अमेरिकन कंपनीज, बट देर वॉज अ ब्रॉडर ब्लू प्रिंट। लेकिन उन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि उनके पास एक बड़ा ब्रॉडर, क्या नाम है, ब्लू प्रिंट था, ठीक है ना, उनके एक 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 स्ट्रेटजी थी, एक प्लान था उनका। लेकिन ट्रंप का क्या है, ट्रंप का ये है वन पॉइंट एजेंडा है, बाई आवर गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप क्या कीजिए, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदिए, राइट। ये उसमें फ़र्क है। द स्टेटमेंट दैट कंट्रीज द रीजन शुड बी स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट एंड प्रॉस्परस, तो देखिए एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दिया है, उन्होंने कहा है कि इस रीजन के सारे कंट्रीज़ को स्ट्रांग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्रॉस्परस होना चाहिए, इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन डेस्टिनीज एंड सेटेलाइट टू नो वन। तो इनके कहने का मतलब क्या हुआ, ये वर्ड तो यही दर्शाता है ना कि ये मतलब हम आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप खुद इंडिपेंडेंट होइए, खुद स्ट्रांग होइए और प्रॉस्परस होइए, ये वर्ड तो यही शो करता है ना। तो इससे उनको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई है, राइट। फिर ये देखिए फाइनली ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न, नाउ व्हाट इज़ अमेरिका ऑफरिंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दीज एशियन पार्टनर्स, तो कह रहे हैं कि अब अमेरिका इन एशियन पार्टनर की सिक्योरिटी का क्या करेगा, ये क्वेश्चन है। और आज देम ऑल ज्वाइन हैंड्स विथ यूएस स्टॉपिंग नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर, सबसे इन्होंने हालांकि कहा है कि आप मदद कीजिए नॉर्थ कोरिया को प्रिवेंट करने में, उसको स्टॉप करने में, ठीक है, उसके न्यूक्लियर एडवेंचरिज्म है जो उसको प्रिवेंट करने में, ठीक है। बट दैट अपार्ट ही टोल्ड जापान, वियतनाम एंड साउथ कोरिया टू बाई आवर वेपन, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा जापान, वियतनाम और साउथ कोरिया से कि आप हमारे वेपन खरीदिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि वी मेक द बेस्ट, हम अच्छा बनाते हैं, और उन्होंने सऊदी का भी एग्जाम्पल दिया कि सऊदी इसका अच्छे से इफेक्टिवली इसका यूज़ भी कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब देखिए क्या करें, बिल्कुल ये बिजनेस माइंडेड इंसान है, ठीक है, तो ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और आगे इसी बात का एग्जांपल ये दिया जा रहा है कि 2006 में क्या हुआ, इंडो पैसिफिक ड्रीम मे नॉट बी अपीयर टू बी मच ऑफ द ड्रीम फॉर द मोस्ट कंट्रीज इन द रीजन, इन 2006 का एक वाक्य का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा था कि वो वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट, हाउसिंग मार्केट जो हो वो क्रैश हो, ताकि उसका मैं क्या करूँ, फ़ायदा उठा सकूँ, ठीक है। देखिए ये मतलब इनका बिजनेस माइंडेड यहाँ पे शो कर गया कि मतलब ये मना रहे हैं कि ये मार्केट क्रैश कर जाए और मैं उसकी प्रॉफिट कमाऊँ, तो ये तो इनकी सोच है। तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से ये उनकी सोच को ही ये सब चीज़ें दर्शाती हैं। तो वी मे बी लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटजी दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें एक स्ट्रेटजी की तरफ देखना चाहिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। परहैप्स अमेरिकन इकोनॉमिस्ट लॉरेंस समर्स, नाउ अ हार्वर्ड प्रोफेसर एंड की प्लेयर इन अमेरिकन लेट ग्लोबलाइजेशन ओवर द लास्ट थ्री डिकेट डिस्क्राइब अ चैलेंज बिफोर द अमेरिका। सो यही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े हार्वर्ड प्रोफेसर हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं ये, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि वी मे बी लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटजी दैट डज नॉट एग्जिस्ट, हमें ऐसी स्ट्रेटजी की तरफ देखना होगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर ये कह रहे हैं कि वी कन्फ्यूज स्ट्रेटजी विथ विश लिस्ट, जो हमारी विश लिस्ट है हम उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी ही काफ़ी कन्फ्यूज है। आवर स्ट्रेटजी इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ओपन आवर स्ट्रेटजी इज़ दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ओपन देयर मार्केट, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी तो ये है कि क्या है, उनकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है कि उनकी मार्केट जो हो वो ओपन हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कोऑपरेट
विथ अस ऑन सिक्योरिटी इशू, तो चूंकि हम उनके साथ सिक्योरिटी इशू शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, अपनी मार्केट हमारे लिए ओपन करें। वेल दैट इज़ गुड एंड विश लिस्ट, ये तो अच्छी बात है, आपकी अच्छी विश लिस्ट है। आई डू नॉट थिंक वी एज येट हैव ए स्ट्रेटजी फॉर थिंकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज़ अप्रोप्रिएटली रिस्पेक्टफुल ऑफ द स्केल एंड अचीवमेंट ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। सो यही कह रहे हैं कि आप तो मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ है और वो समझ में नहीं आ रही है किसी को कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप एक बार कहते हैं किसी को सिक्योरिटी के बदले आप क्या नाम है उनसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी मार्केट ओपन करो, हम ही से सिर्फ ट्रेड करो, तो ये सब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, राइट। तो आइए देखते हैं अगला, ये देखिए मनी कांट ऑलवेज बाई वोट। तो ये देखिए कह रहे हैं कि ये ऐसा बिलीव किया जाता है वाइडली कि पुअर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके वोटों को खरीदा जाता है या वो अपने वोटों को बेचते हैं, ठीक है, किसके बदले, कैश, लिकर, सारीज और मैनी और भी बहुत सारी जो गुड फ्री बीज जो होती हैं उनके बदले, ठीक है। तो इन्होंने एक के जिक्र भी किया है यूपी के इलेक्शन का, राइट। तो इन्होंने देखिए क्या कहा है, उसके थ्रू इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि वी रिवील्ड सेवरल कमिटमेंट्स फ्रॉम द रीडर्स, सम ऑफ द, ये देखिए द हिंदू में मई 23 या 23 में एक आर्टिकल आया था, उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसके बाद रीडर्स ने उनके काफ़ी कमेंट्स आए, तो उसी से रिलेटेड ये बात कर रही है। तो वो कह रही है कि वो अभी भी अनकन्विंस्ड है वो मानने के लिए कि वोटर को खरीदा जा सकता है, वोट को खरीदा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वोट को खरीदा जा सकता है, अगर ये सही है, तो इसका मतलब ये होता है कि दैट इफ मनी डज नॉट बाई वोट्स वाई देयर इज अ फ्लो। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर वोट को खरीदा नहीं जा सकता, सॉरी, ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि अगर वोट को खरीदा नहीं जा सकता तो फिर इतना पैसा क्यों बहाया जाता है इलेक्शन में, क्यों इतना लिकर, इतना कैश इलेक्शन में खर्चा किए जाते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि वाई इज देयर इज एन आर्मी ऑफ ब्रोकर्स एट द लोकल लेवल ऑफन अलाइन विथ पॉलिटिशियन एंड हेल्पिंग सिटीजन नेविगेट द स्टेट। तो बहुत सारे ब्रोकर क्यों पैदा हो जाते हैं इलेक्शन के वक्त में पॉलिटिशियन को हेल्प करने के लिए, राइट। तो देखिए कह रहे हैं कि इसमें अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कह रहे हैं कि इट इज़ इंडीड ट्रू दैट कैंडिडेट विथ ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी, कह रहे हैं नो डाउट, ये तो माना ही जाता है हमारे वहाँ कि ये जो कैंडिडेट जितना रिच होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के, और इवन यहाँ पे भी नहीं, यूएस में भी ये बात मानी जाती है, ठीक है। मतलब एक एजम्पशन है कि जो अगर बाहुबल आदमी है, पैसा है उसके पास, ताकत है, ठीक है, लोग हैं, तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा माने जाते हैं, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं विच इज़ अनएक्सप्लेन्ड बाई नॉर्मल राइज इन द डिमांड ऑफ दिस गुड्स। तो फिर उसके बाद लिख रहे हैं इन आवर व्यू कैश फ्लो ड्यूरिंग द इलेक्शन नॉट बाई वोट, ये कह रहे हैं कि हमारे हमारे हिसाब से क्या है, मतलब अब अपनी देखिए अपनी बातें बता रहे हैं, फाइंडिंग जो है इनकी वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से कैश फ्लो जो होता है वो वोट्स को खरीदने के लिए नहीं होता है, बल्कि जो कंपेन जो चलते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए होता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कह रहे हैं कि देखिए पार्टीज़ क्या होती हैं, उनके जो आर कुछ सभी पार्टियां तो उतने स्ट्रांग होती नहीं, तो जो कुछ पार्टीज़ क्या होती हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर होते हैं लोकल लेवल पे, तो वो क्या करते हैं, वो हैवी इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स फेस करते हैं, ठीक है ना, तो उनके लोग चाहिए, ठीक है, कंपेन करने के लिए। तो कंपेनिंग देखिए कंपेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा लोग कंपेनिंग होंगे उससे ज़्यादा मोबिलाइज़ किया जा सकता है वोटर्स को, राइट। तो वही कह रहे हैं कि मनी एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ कैश यूज टू इंगेज वोट मोबिलाइजर, ठीक है ना, तो एक तरीके से कंपेनर खरीदे जाते हैं, वोट नहीं खरीदा जाता बल्कि कंपेनर खरीदे जाते हैं, लोकल इंडिविजुअल हु विल सीक वोट्स फॉर पार्टी एंड हर कैंडिडेट, राइट। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन देखिए क्या करता है, 14 दिन पहले ही क्या करता है, 14 दिन का एक तरीके से कंपेनिंग अलाउ करता है, ठीक है ना, 48 आवर आप लोगों को पता होगा पोलिंग से जो है 48 आवर पहले कंपेनिंग बंद हो जाती है, तो इतना मतलब इनको वक्त मिलता है कंपेनिंग करने का। तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड एन आर्मी टू वोटर ड्यू, तो कंपेनर जो होता है, जो कैंडिडेट होता है उसको आखिर कंपेन करने के लिए एक भीड़ भाड़ चाहिए ना, एक आर्मी चाहिए ना, वर्कर्स की तो ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ से लाएगा। तो वही कह रहे हैं कि वही सारी ये चीज़ें जो होती हैं वो इसी से, इसी पैसे से लिकर साड़ी ये वो सब करके ये किया खर्चा किया जाता है। फिर ये लिख रहे हैं टू अवॉइड दिस कैंडिडेट स्पेंड ह्यूज सम ऑफ द मनी ऑन कैश लिकर एंड गिफ्ट दैट दे हैड आउट टू देयर मिडिल मैन। तो देखिए इनका कहना ये है कि हाँ, ये जो आपको पता हो अगर इलेक्शन में क्या होता है कि आपका एक्सपेंडिचर का अमाउंट एक फिक्स होता है कि आप इतने लाख तक खर्चा कर सकते हैं, ठीक है,
तो वही कह रहे हैं कि अगर आप क्या करें, ये कंपेन कंपेन में जितने पैसे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इवन जितने एक्सपेंडिचर उनका, मतलब जितनी लिमिट होती है उससे वो बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं, राइट? हाँ, तो ये कह ये रहे हैं कि जो इनके कंपेनर हैं, तो कंपेनर को अगर एग्रीकल्चरल लेबरर के जो मिनिमम वेजेस होते हैं उसके बराबर भी अगर ये पैसे देने लगे, तो उनके जो मैक्सिमम लिमिट होती है एक्सपेंडिचर की, वो उसको भी एक्सीड कर दी जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि इसको अवॉइड करने के लिए ये क्या करते हैं, ये इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ये पैसे कैश, लिकर और गिफ्ट्स वगैरह ये करते हैं, राइट? तो ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है। दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं कि सेकेंड चीज़ ये जो है कि मनी सिग्नल्स रिसोर्सेज एंड पावर एसेस टू पावरफुल नेटवर्क। तो ये कहते हैं कि मनी जो होती है वो क्या करती है, एक तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करती है या दर्शाने की कोशिश करती है कि आपके पास एक पावरफुल नेटवर्क है, ठीक है ना, आप एक स्ट्रांग आदमी हो। तो एक तरीके से इसका भी बहुत असर पड़ता है, राइट? तो यही कह रहे हैं कि इट अलाउस कैंडिडेट टू मोबिलाइज सपोर्टर्स हु इन टर्न कैन पुल अ क्राउड टुगेदर, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि देखिए, ये तो कुछ कंपेनर्स आपके साथ आ गए जिनको आपने इन सब पैसे के दल पे या लिकर इन सब चीज़ों के दम पे ला दिए, उससे क्या होता है कि और भी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, ठीक है, वो मोबिलाइज़ करते हैं वोटर्स को, तो वो और ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करती है, ठीक है। इंटर्न कैन पुल अ क्राउड टुगेदर, तो उसका फ़ायदा यही होता है कि फिर और ज़्यादा, मतलब लोग, आपको पता भी होगा नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लोग इलेक्शन के वक्त डिसाइड नहीं करते हैं कि किसको वोट देना है, वो कहते हैं जो जीतेगा उसी को दे देंगे, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, भीड़ देख के डिसाइड करते हैं, राइट? तो वही ये कह रहे हैं कि इनको, मतलब मेन मकसद यही होता है कि कैसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा की जाए। ये कह रहे हैं मेनी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द डिस्प्ले ऑफ द मनी ड्यूरिंग इलेक्शन इज सोशली अप्रूव्ड इन सर्टेन वेज। तो कह रहे हैं बहुत पार्ट में तो ये एक तरीके से सोशली अप्रूव्ड ही है और इज़ अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, ये एक तरीके से ज़रूरत बन गई है, ठीक है, और ये हमारे कल्चरल का हिस्सा बन गई है। वोटर आस्क देमसेल्फ वेदर समवन हु हैज़ नो क्लाउड, तो वोटर क्या करते हैं, वो खुद ही पूछते हैं, जो जैसे कैंडिडेट जो होता है तो उसके बारे में खुद ही पता करने की कोशिश करते हैं कि वो बाहुबल है या नहीं, वो पैसे वाला है या नहीं, वो अगर वीक होता है तो वो समझते हैं कि अरे वो नहीं जीत पाएगा, ठीक है। तो ये सारे परसेप्शन हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी है, तो इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एक आर्गूमेंट के थ्रू। ये कह रहे हैं कि इससे देखिए, हमारे वहाँ क्या होता है कि जो निर्दल प्रत्याशी जो होते हैं, जो इंडिपेंडेंट वो होते हैं, वो काफ़ी कम जीत के आते हैं, राइट? तो इससे प्रूव ये होता है, क्योंकि निर्दल इंडिपेंडेंट आदमी का मतलब क्या होता है, उसके पास कोई किसी पार्टी का बैकग्राउंड नहीं है, उसके पास कोई कंपेनर नहीं है, उसके वॉलंटियर्स नहीं है, तो इसीलिए तो वो लोग कम जीत के आते हैं। लेकिन जो निर्दल जीतते हैं वो, उनका देखिए एक स्पेशल चीज़ आप लोगों को देखने की मिलेगी कि वो उनकी या फीमेल उनकी कुछ फैमिली लिगेसी कुछ स्ट्रांग होगी, ठीक है, मतलब वो किसी अच्छे घराने से होंगे या पैसे वाले होंगे या मसल पावर। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो इलेक्शन जो इंडिपेंडेंट जो लोग लो, लो, इलेक्शन लड़ते हैं उनको जिताने में ये हेल्प करती हैं, राइट? तो राइट, तो ये देखिए, फिर उसके बाद ये एक महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब इनका जो एक एक्सपीरियंस है उसको, और कर्नाटका भी का भी एक केस है, तो इसको इन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है, तो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट का कुछ नहीं है। फिर देखिए, ये इनका फाइनल ये कहना है कि वोटर्स बेसिकली बिगन टू टेल पॉलिटिशियन दैट दे हैड टू कीप द गुडीज़ फ्लोविंग इफ़ दे वॉन्टेड देयर वोट। तो वोटर कह रहे हैं कि खुद ही ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप हमें जब तक ये सब चीज़ें नहीं देंगे, ये गुडीज़ नहीं देंगे, तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे ना, ये वोटर्स की डिमांड होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर आप ये सारी चीज़ें उन्होंने ले ली तो वोट आपको दे ही दें, राइट? तो इनका कहना यही है कि इन सब चीज़ों का बहुत ही मार्जिनल असर पड़ता है। वट डज ऑल ऑफ दिस टेल अस अबाउट द रोल ऑफ द मनी इन इलेक्शन, कैश एंड गुडीज डू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग इलेक्शन बट देयर इन्फ्लुएंस वोट्स चेंज इन्फ्लुएंस ऑन वोट च्वाइस इज मार्जिनल, राइट? तो बहुत ही मार्जिनल इसका इफेक्ट पड़ता है। ये कह रहे हैं कि, तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि आखिर ये होता क्यों है। देखिए, होता इसलिए है क्योंकि हमारे वहाँ एक कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म की टेंडेंसी पैदा हो गई है। पॉपुलिज्म क्या होता है, देखिए पॉपुलिज्म वो किसको कहते हैं, लोक लुभावन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, तो मतलब लोगों को इस तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है। तो फ्रीबीज़ वगैरह जितनी है ये लोक लुभावनी चीज़ें हैं, तो लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है, लोगों को चाहिए ये सब चीज़ें, तो थोड़ी सी में ही वो, मतलब इन सब चीज़ों से वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, राइट? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको वोट दे देंगे, इनके कहने का मतलब यही है, राइट? फिर आगे देखिए, लिख रहे हैं कि पॉलिटिशियन एंड पार्टीज फोर्स्ड पुट मनी एंड गुड्स इन टू दी पॉट बिफोर दे कुड प्ले अ हैंड। तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन पहले से ये सब चीज़ें तैयारी में, इलेक्शन में आने से पहले ये सब सारी चीज़ें तैयारी शुरू कर देते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये और एम्पलीफाइड हो जाता है बाय अ वीक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड कंपेनिंग पीरियड्स एंड द, तो कह रहे हैं कि अगर पीरियड अगर कम हो, टाइम कम हो, ठीक है, और
पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अगर कम हो, उसका वीक हो, तो ये चीज़ें और भी बढ़ जाती हैं, राइट। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अगर बड़ी हो, ठीक है, साइज़ अगर उसकी बड़ी हो, तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब और इसको एम्पलीफाई हो जाती है, मतलब और बढ़ जाती हैं। तो स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज विथ लॉन्गर कंपेनिंग पीरियड आर मोर लाइकली टू कर्व द निगेटिव इन्फ्लुएंस। तो अगर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वो कह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा इसका असर कम पड़ता है, ठीक है, और निगेटिव इन्फ्लुएंस इसका कम जाता है। लाइकली टू कर्व द निगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी इन पॉलिटिक्स इन कंपेरिजन टू पुटिंग द आउट द एक्सपेंडिचर लिमिट, राइट। तो देखिए, इसका अगर मैं सार बता सकूं तो यही है कि जो फ्रीबीज जो होते हैं, जो गुडीज़ होते हैं, लिकर, कैश या साड़ीज़ वगैरह, तो ये कम मेनली ये यूज़ इसलिए किए जाते हैं ताकि इनकी कंपेनिंग अच्छे से हो सके, राइट। तो ये अपने मतलब प्रदर्शन अपना शो कर सके कि हमारे पास भीड़ है, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इसका वोटिंग पैटर्न पे बहुत इसका मार्जिनल असर पड़ता है, ठीक है, कहना इनका फाइनली यही है। और एक और आर्टिकल इसके अलावा देखने की कोशिश करेंगे, ये नीचे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये है, ये देखिए द त्रिपुरा मॉडल। देखिए, त्रिपुरा में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी बहुत ही तारीफ की गई है, और वो कह रहे हैं कि इसमें जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो पॉलिसी रही है वो बहुत ही अच्छी रही है, और उससे क्या हुआ है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वहाँ पे काफ़ी हुआ है, राइट। और उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है इसमें, तो ये देखिए कंपेयर कर रहे हैं 90s से, 1990 से और 2000 के बीच में, और उसकी वजह से डेवलपमेंट को ये रिलेट कर रहे हैं पीस से, राइट। और देखिए, ये दोनों एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर पीस होगी तो डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट को भी पीस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए कह रहे हैं कि 2005 और 2006 का केस है, ये वहाँ पे त्रिपुरा में थे, तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी, राइट। द थ्रेट ऑफ द वायलेंस वॉज एवर प्रेजेंट, तो हमें हर तरफ वायलेंस की डर थी, और उस फिर क्या हुआ, तो हालांकि इनको ये कह रहे हैं कि हमारी जो टीम थी हमको सेफ्टी इंश्योर की गई थी, हमें कहा गया था कि आप लोगों को सेफ्टी या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, आप लोग सेफ रहेंगे, लेकिन मतलब माहौल उतने अच्छे नहीं थे, इनके कहने का मतलब यही है। और ये कह रहे हैं कि एक त्रिपुरा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2007 में पब्लिश हुई थी, उसमें क्या क्या गया था, हाँ, तो देखिए ये कह रहे हैं कि इंसर्जेंसी तो कम हुई थी, इंसर्जेंसी वाज ऑन डिक्लाइन, लेकिन उसी वक्त ये रिपोर्ट भी आई थी, तो उसमें ये था एक्ट्स ऑफ इंसर्जेंट वायलेंस स्टिल कंटिन्यू, उसमें ये कहा गया था कि इंसर्जेंट के जो वायलेंस है वो अब भी चल रहे हैं, राइट। तो फिर देखिए ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मनिक सरकार, वो कह रहे हैं कि वो हमेशा ये कहा करते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पीपल का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये एसेंशियल कंपोनेंट है पीस प्रोसेस के लिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, आप ज़रूर क्या नाम है आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और पीपल का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं कहाँ पे, ये मतलब एक एसेंशियल कंपोनेंट है अगर आप पीस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हो किसी स्टेट में, या पीस पीस मतलब अगर लाना चाहते हो तो, राइट। इसके अलावा इनका एक और अचीवमेंट है कि इन्होंने जो आफ्सपा वहाँ पे था उसको 2015 में वहाँ से हटा लिया गया, रिपील कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से उनकी सक्सेस पॉलिसी के तौर पे ये देखा जा रहा है। और फिर ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने उस वक्त ये विजिट किया था, उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि दोबारा हम लोगों ने 2016 में फिर विजिट किया, 2000, तो वहाँ पे काफ़ी इनको चेंजेस देखने को मिले। वो ये कह रहे हैं कि देखिए पल्पेबल द प्रिंसिपल चेंजेस वर पल्पेबल, पल्पेबल मीन्स होता है सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, पल्पेबल मीन्स होता है क्लियर या स्पष्ट, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे एक काफ़ी पीस और पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड कह रहे हैं कि काफ़ी हमें चीज़ें मतलब एक क्लियर थी वहाँ पे, कि एक तरीके से इनको जैसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे पीस है, सेफ्टी है, इन ये सब चीज़ें वहाँ पे इनको फील करने को मिली, ठीक है। इवन कह रहे हैं कि इवन इन मोस्ट रिमोट एरिया में भी, रिजर्व फॉरेस्ट इन सब एरिया में भी इनको ये सब चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये 10 साल का जो अचीवमेंट है, ये प्रोग्रेस जो है उन्होंने जो 10 साल में वो की है, वो क्या, वो सेवरल जो इंडिकेटर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के उसकी वजह से हुए हैं, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये तीन चीज़ें मेन हैं जो ये सोशल इंडिकेटर हैं, इनकी वजह से ये सारे चेंजेस आए हैं। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, अब इन
तीनों जो इंडिकेटर, अब इनको बारी बारी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इनका एजुकेशन में कितना इन्होंने वो किया है, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इन्होंने क्या किया, इसके अलावा हेल्थ में क्या किया, एम्प्लॉयमेंट में क्या किया, ठीक है। तो देखिए इन्होंने शुरुआत की है लिटरेसी से, तो लिटरेसी की शुरुआत करें, देखिए शुरुआत में क्या हुआ था कि जो मिलिटेंट्स थे वो क्या करते थे, या सेपरेटिस्ट थे, वो इसमें एक तरीके से बाधा बने हुए थे, ठीक है ना। वो चाहते नहीं थे कि स्कूलिंग हो लड़कों की, तो इसकी प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा वो बाधक थे। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ, इनके एफर्ट से ये चीज़ें कम होती गई, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इनका 2001 का जो लिटरेसी रेट था 73%, वो 2011 में बढ़ के 87% हो गया। देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट इन्हें इन्हें मिला। तो ये सब सारे जो इनके एफर्ट्स थे, तो वो एक तरीके से अब काफ़ी यूज़फुल साबित हो रहे थे, राइट। और उसके अलावा फिर ये कह रहे हैं कि ये देखिए इन्होंने ये काफ़ी डाटा इसमें नीचे इन्होंने दे रखा है, वुमेन के बारे में भी, वुमेन एजुकेशन भी बढ़ती गई। देखिए 18 से 45 तक की वुमेन जो थी उन्होंने भी क्या नाम है, पढ़ाई वढ़ाई शुरू की, ये सब चीज़ें। फिर आगे ये लिख रहे हैं, अभी जो एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसमें भी ये उसमें ये देखने को मिला कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो होता है, IMR जो था, वो त्रिपुरा का, वो 2006 के मुकाबले, दो पाँच छः के मुकाबले 2014-15 में बिल्कुल हाफ हो गया। यानी कि उस वक्त ये 51 था और ये 27 हो गया। तो इन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी अचीवमेंट पाया, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और इन्होंने फिर कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट सैम्पल, तो अभी फिर ये तो देखिए 2014-15 की बात थी ना, अभी ये कह रहे हैं कि ये 27 से ये 20 हो चुका है, 2015 की बात कर रहे हैं। फिर देखिए ये एक अगला जो इनका सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट में जो इनका था पीस और सिक्योरिटी जो हुई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड को एक्सपेंड करने का ज़्यादा इन्हें एक तरीके से स्पेस मिला, ठीक है ना। तो पीस और सिक्योरिटी ने क्या किया, एनेबल किया कि लोग क्या करें, ज़्यादा तरीके से एम्प्लॉयमेंट पा सकें, ठीक है, रोज़गार पा सकें और अपनी लाइवलीहुड को चला सकें। तो देखें इनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे हमारे GDP होती है वैसे स्टेट की SDP होती है, तो वो कह रहे हैं कि 8% पर एनम रही है इनकी 2010 सालों तक, ठीक है, 2005 से लेकर 2015 तक ये 8% रही है, राइट। ये कह रहे हैं कि जब ये इंडिया की, जब हमारी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब 5% था, तो इनका पता है कितना था, इनका देखिए कितना था, इनका 9 से 10% पर ईयर ग्रो किया है। तो इंडिया मतलब हमारे नेशनल एवरेज का ये डबल लगभग इनकी ग्रोथ रही है, राइट। और ये कह रहे हैं कि मनरेगा जो रूरल एम्प्लॉयमेंट में ये इसकी जो रैंक रही है वो टॉप रही है, यानी फर्स्ट रैंक रही है इसकी मनरेगा को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये सारे बहुत सारे इनके अचीवमेंट ये यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और फिर ये लिख रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट ऑब्सेंट पर हाउस होल्ड इन इंडिया जो है, देखिए 40 to 50 days है, ठीक है, मनरेगा में एवरेज जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 40 to 50 days, जबकि त्रिपुरा में ये कितना है, त्रिपुरा में 80 days है, राइट। इवन 80 days नहीं, उसके बाद देखिए ये 2015-16 में ये और बढ़ गया, ये 94 days हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो ये आपको पता होगा, गवर्नमेंट ने रूरल क्या बोलते हैं, रूरल जो इनका अमाउंट था उसमें काफ़ी बजट में रूरल के लिए जो पैसे एलोकेट होते हैं उसमें काफ़ी कम किया है, ठीक है ना, ये डिसीजन टू रिड्यूस द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो उसकी वजह से फिलहाल ये कम हो गया है। इस वक्त 42 days का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे चल रहा है, राइट। और इसके अलावा लेबर पार्टिसिपेशन है वहाँ पे, इसकी भी बात कर रहे हैं, वो भी नेशनल एवरेज जो हमारे इंडिया के कंट्रास्ट में वहाँ का बहुत ही बढ़िया रहा है। देखिए यहाँ पे ये NSS ने शो किया है कि इनका कितना रहा है, इनका फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन फेल फ्रॉम 49% इन 2015 टू 36%। देखिए हमारा नेशनल लेवल पे क्या है, NSS ने ये डाटा शो किया है कि जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है, राइट, मतलब अपोजिट है, इसे बढ़ना चाहिए ना, फीमेल का पार्टिसिपेशन तो बढ़ना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि 49 था 2005 में, 36 हो गया है, जबकि त्रिपुरा के केस में अपोजिट है, त्रिपुरा के केस में 17% से 38% हो गया है, राइट। तो ये देखिए इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर त्रिपुरा। तो एक नया मॉडल, एक तरीके से त्रिपुरा के मॉडल को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आगे लिख रहे हैं कि लेबर फोर्स बाय डेफिनेशन इंक्लूड, देखिए लेबर फोर्स किसको कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है। देखिए लेबर फोर्स उनको कहते हैं जो या तो काम कर रहे हो, ठीक है, दोज इन वर्क एंड सीकिंग वर्क, या जो काम की तलाश में हो, तो उनको कहा जाता है लेबर फोर्स,
राइट तो WPR जो कह रहे हैं कि रोज एमांग मेन एंड वुमेन दोनों में, रूरल अर्बन में दोनों में ये क्या हुआ है, दोनों में ये WPR बढ़ा हुआ है, ठीक है। वर्ड क्या बोलते हैं, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, राइट। फिर उसके बाद आगे ये फिर उन्होंने NSS का ही डाटा शो कर रहे हैं इसको, यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट को शो करने के लिए, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए। फिर देखिए आगे क्या वे फॉरवर्ड क्या है, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ड्रामेटिक राइज इन वर्क पार्टिसिपेशन रेट स्पेशली अमॉन्ग वुमेन हैज़ बिन इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। तो ये कह रहे हैं कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन इतना क्यों बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा कि उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई, ठीक है, उनकी सेफ्टी एंश्योर की गई, इसके लिए इतना लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ा है स्पेशली वुमेन का। तो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव अचीवमेंट ये जो है ये बहुत ही पॉजिटिव अचीवमेंट है, और कह रहे हैं कि अब ये चैलेंज भी है। चैलेंज किस लिए है, चैलेंज इसलिए है कि आप उतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे ये धीरे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना ये वहाँ पे, तो इतना बढ़ता जाएगा तो आप इतनी अपॉर्चुनिटी कहाँ से लाओगे, इतने लोगों को एब्जॉर्ब कहाँ से करोगे, इतने लोगों को जॉब कहाँ से दोगे, ये सारे भी तो चैलेंजेस हैं। तो एक तरीके से दोनों चीज़ें, एक पॉजिटिव अचीवमेंट भी है और ये चैलेंज भी है, राइट। तो फिर आगे इनका ये कहना है कि ट्रिपल पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज़ वन दैट रिस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑफ रीजन वेयर द पीपल ऑफ शेड्यूल ट्राइब आर प्रीडोमिनेंट इन द पॉपुलेशन। तो ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी वहाँ पे काफ़ी, उसको भी रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ इट्स डाइवर्स पीपल, तो वहाँ के जो लोग कम्युनिटी है, जो उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनकी यूनिटी भी एक तरीके से इस अचीवमेंट के लिए में शामिल है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को इंकरेज करती है। एंड इंक्लूसिव पाथ ऑफ डेवलपमेंट वन दैट इनकम्पास द पुअरेस्ट इन द पॉपुलेशन एंड द मोस्ट फार फ्लंग ऑफ द पुअर फॉरेस्ट बेस्ड ह्यूमन सेटलमेंट इज प्रीसियस लीगेसी, इट वुड बी अ ग्रेट अनविजडम टू रिवर्स और डिस्टर्ब सच अ पाथ। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम हो, सबसे दूर क्या नाम है, एक तो सबसे पुअरेस्ट रहा हो और इंडिया का सबसे फार फ्लंग स्टेट रहा हो, वो ऐसा अचीवमेंट पाए, तो इट्स अ रिमार्केबल, इट्स अ सिंपली ऑसम, ऑसम, इट्स अमेजिंग। तो ये जितना इसकी तारीफ की जाए कम है। तो ये देखिए इसमें एक फाइनली कंक्लूड करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने जो इनपुट जो किए हैं, इन्वेस्टमेंट जो किया है हेल्थ में और इलिटरेसी को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा एजुकेशन में, तो उन सब का ये इफेक्ट देखने को मिला है और इतना बड़ा इन्होंने अचीवमेंट पाया है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।